तो आज हम बात करते हैं सफल और असफल आदमी के बारे में। सफल लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। सफल लोगों की एक पहचान है जो ये मानता है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। लेकिन जो असफल आदमी होता है वो ये मानते हैं कि मेरे साथ घटनाएं होती है, मेरे साथ घटनाएं होती है। सफल आदमी की एक खास है, वो सोच नहीं मैं बना सकता हूं यार, मैं बनाता हूं, मैं जो बनूंगा अपने बूते बनूंगा। लेकिन असफल आदमी क्या सोचता है, नहीं मेरे साथ ऐसा होता है। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वो आदमी क्या करते मालूम, वो बोलता है यार नहीं उसने भी किया था, उसने भी किया था, इसके साथ वैसा हो गया, इसका इतना पैसा मर गया, इसकी इतनी की टीम थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं हुआ, वो रोना रोता है। लेकिन एक सफल आदमी होता है जिसे खुद पे विश्वास होता है, उसे लगता है यार अगर उसके साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे साथ होगा मैं तो कर सकता हूं ना। कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मुकेश जायसवाल स्टेज पे आए, तालियां हो जाए मुकेश जायसवाल के। मुकेश जायसवाल जानते हैं सभी? यस सर। अब आप एक चीज बताइए, ये इंसान है? यस सर। है ना? यस सर। मैं भी इंसान हूं ना? यस सर। ये भी मर्द है? यस सर। अरे औरत तो नहीं है ना? मर्द ही है ना? यस सर। मैं भी मर्द हूं या नहीं? यस सर। अब आप एक चीज सोचिए, इनके भी बाल हैं? यस सर। मेरे भी हैं? यस सर। इनकी भी आंखें हैं? यस सर। मेरी भी है। इनकी भी नाक है? यस सर। मेरी भी है, है या नहीं? है। इनके दांत है? यस सर। मेरे भी है, दांत थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, समझ आया ना यार? तो इनके कान है? यस सर। मेरे भी है, है या नहीं? है। वो अलग बात है, इनकी नाक के ऊपर एक चश्मा चढ़ा है, मेरी नाक के ऊपर चश्मा नहीं है। मेरे कान में सोने की बालियां हैं, इनके कान में नहीं है। लेकिन जो भगवान ने दिया वो तो जो इनके पास है वो सब मेरे पास है या नहीं है? आपके पास जो सब है या नहीं है? हाथ पैर सब चीज है या नहीं है? लेकिन क्या हम दोनों की शक्लें मिल रही है? नो सर। मिल रही है क्या? नो सर। इनकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है। जबकि भगवान की दी हुई चीज तमाम इनके पास भी है और तमाम चीजें मेरे पास भी है या नहीं है? तो जब तमाम चीजें होने के बाद भी हमारी शक्लें अलग है, तो तमाम परिस्थितियां तमाम घटनाएं होने के बाद भी सफल और असफल ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है, करते हैं नहीं करते है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि यार मेरे साथ घटनाएं होती है, मेरे साथ ये चीजें होंगी, उस आदमी ने भी नहीं किया, मेरा भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब सब चीज होने के बाद शक्लें अलग हो सकती है, तो सारी परिस्थितियां होने के बाद रिजल्ट भी अलग हो सकते हैं, हो सकते ना? हो सकते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं तूने तो आज किया भाई, मैंने तो 8 साल पहले से शॉप किया था। अरे 8 साल पहले किया था, कहीं ना कहीं तो गलतियां की होंगी। यस सर। मैंने 15 साल पहले किया है। कुछ लोग हैं जिन्होंने 10-12 साल पहले किया है, 14 साल पहले किया है। लेकिन हाँ एक चीज क्लियर है कि जो चलते गए, निरंतर चलते गए, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए, वो यकीनन एक दिन अपने लक्ष्य पे पहुंचे, समझ आया? Yes, sir. लेकिन जो लक्ष्य के लिए चले तो थे लेकिन रुक गए, वो इंसान कभी नहीं पहुंचा, समझ आया? Yes, आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? Yes, sir. जब उन्होंने दौड़ लगाई तो कछुआ क्या था बेचारा? सुस्त था। लेकिन खरगोश क्या था? तेज था, रात था। कछुए ने दौड़ लगाई, खरगोश ने दौड़ लगाई, तो कछुआ तो बेचारा अपनी अपनी चाल में चलता गया, लेकिन खरगोश क्या हुआ? स्पीड से भागा। और जब पहुंचने वाला था उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूं, कछुआ बहुत पीछे है। लेकिन आराम करते करते कब आंख लगी, कब आराम करते करते उसकी जिंदगी आराम हो गई, उसे पता भी नहीं चला। और वही स्लो एंड स्टेडी वाला, वही आराम आराम से चलने वाला कछुआ उस दौड़ का विजेता बन जाता है, बनता है। yes, तो मायने वही नहीं रखता कि आप कितनी तेज
एसी दौड़ रहे हो, आज आपकी 10 सेल आ रही है, 50 सेल आ रही है, 100 सेल आ रही है, ये मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि क्या आप लगातार, जैसे घड़ी की सुई लगातार घूमती रहती है, क्या आप लगातार प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि लगातार प्रयास होगा, जितना लगातार प्रयास और अभ्यास होगा उतना जल्दी आप अपने शिखर पे पहुंचोगे। तो कुछ भी हो जाए आपकी गति नहीं रुकनी चाहिए, भले ही सेल आए ना आए, लेकिन आपका फील्ड मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। अलग अलग परिस्थितियां होगी, लेकिन सफल आदमी अपनी जिंदगी में एक संकल्प लेकर चलता है कि कोई बात नहीं, आज से जो ज्वाइन किया है कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 3 साल के अंदर डायमंड नहीं बना, 4 साल के अंदर नहीं बना, 5 साल के अंदर नहीं बना, 10 साल में भी बना तब भी तो करोड़पति बना ना। समझ आ रहा है? तो वही चीज आपको एक संकल्प लेकर चलना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक संकल्प लेकर चलिए कि मुझे तो अमीर बनना है। ठीक है? चलिए अगला। सफल लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। जो सफल आदमी है वो पैसे का खेल खेलता है किस लिए मालूम? जीतने के लिए। लेकिन असफल आदमी पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलता है। मिसाल के तौर पर जब आप यहां पे लोगों को इनवाइट कर रहे थे तो कई समझदार लोग थे, कई समझदार लोग थे जो ये सोच रहे हैं मुझे तो ओम प्रकाश सर ने बुलाया था, मैं नहीं गया, मैंने तो बहाने में अपनी नानी मार दी। कई बहुत बार लोग बोलते ना, सर मेरी तो नानी मर गई, सर मेरे चाचा जी नहीं रहे, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई। वो क्या करता है मालूम? उसने पैसे बचा दिए, खुश हो गया वो कि मैंने तो कितने बचाए, तकरीबन 6,000 रुपये बचा दिए, आना जाना होटल का खर्चा, वो खुश है। उसने उसे लग रहा मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से पैसों का कैसे ना कैसे होता ना इंतजाम करके इस श्रेणी तक पहुंचे। उन्होंने पैसे की परवाह नहीं की, उनकी नियत साफ थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे सीखना है। उन्होंने पैसों की फिक्र ना करते हुए पैसों का इंतजाम किया। बहुत सारे लोग हैं यहां पे जिनके पास शायद इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस श्रेणी में आए। उन्हें पता है कि मैं जाऊंगा ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 6,000 ही तो लग रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर 6,000 लगा दिए तो इतना तो जरूर है कि भाई इस साल मैं 1,00,000 रुपए भी तो कमा सकता हूं, कमा सकता हूं। आप सोच के देखिए उस इंसान, वो किसान क्या कमाई करेगा जो ये सोचता होगा कि यार बीज बोने के बाद अगर सारा बारिश ज्यादा ही हो गई, मेरा बीज खराब हो गया या फिर पक्षियों ने चुन के ले लिया, ये सोचने लग जाए क्या कभी हम लोग अनाज खा पाएंगे? खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। किसान किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता है, मौसम आए या नहीं आए, सूखा पड़े बारिश ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसान अपनी फसल के लिए बीज तो बोता है। और वही चीज आपने किया कि आपने जीतने के लिए पैसे की फिक्र नहीं की, आपने वो जो 6,000-7,000 रुपए का जो दाव था वो आपने खेला। और मुझे पूरा यकीन है कि आज आप यहां से जो भी बातें सीख कर जाएंगे इस ट्रेनिंग से, इस काम के महाकुंभ से जो जो बातें सीख कर जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि भैया 1,00,000 से ऊपर तो आप इस साल कमा कर ही जाओगे, यकीनन कमा कर जाओगे। बस वो जो सीखोगे वो जाके आपको अपनी जिंदगी में अमल में लाना है। लाओगे ना? yes, sir. पक्का? yes, sir. लेकिन जो सफल आदमी क्या करता है, वो खुश हो गया कि यार उमेश सर ने बुलाया था, मैंने तो गोली दे दी, मैंने बहाना बना दिया। और याद रहे जिनके बहाने बड़े हो जाते हैं ना वो कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंचते, इसे बहाना बनाना छोड़िए। सफल होना है तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा।